एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दूसरी भाग जो हम लोगों की ट्रेवल जर्नी की थी विटलीबर्ग और साथ में ही एटलेसविल, तो वो दिखाने जा रही हूँ। आज मॉर्निंग की टाइम है, सेकेंड डे यानी संडे है, ईस्टर की वीकेंड थी। तो हम लोग अभी सेलनाव स्टेशन में आ गए हैं। सेलनाव से हम लोग जाएंगे एटलेसविल, जहाँ से हम लोग करेंगे केबल राइड, केबल कार की राइड करेंगे। और हम लोग की ये ट्रेन आ गई है। यहाँ की ट्रेन बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत है। और स्टेशन में आ गए हैं और यही है हम लोगों की ट्रेन, तो इसी से ही हम लोग फर्स्ट जाएंगे एटलेसविल में। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा हाइकिंग करना पड़ेगा माउंटेन में, और उस फील से थोड़ा हाइकिंग करके ही हम लोग जाएंगे फेलसेन की जो केबल राइड है उस पर। यहाँ देखिए ट्रेन में ही लिखा हुआ है एटलेसविल से फेलसेनिक में ऐसे केबल का राइड जाते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि हम लोगों ने पैसा मतलब टिकट खरीद लिया है 24 आवर्स के लिए, 1 पर्सन की 18 फ्रैंक है, 18 CHF। तो अभी ट्रेन चलेंगे और हम लोगों की जर्नी शुरू होगा। देखिए हम लोग स्टेशन जो एटलेसविल है वो आ गए हैं। और ये इतना बड़ा स्टेशन भी नहीं है, जैसे एक छोटा सा जंक्शन आप लोग बोल सकते हो। और ऊपर देखिए, उधर हम लोगों को जाना है केबल कार से। और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी और व्यू थी इस स्टेशन के बाहर, मतलब हम लोग अभी हाइकिंग करेंगे नीचे से ऐसे जाके। आप लोगों को रोड जो है स्टेशन की वो रेलवे वो क्रॉस करना है, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। और बहुत ही ब्यूटीफुल थी नेचुरल व्यू और इतना साफ़ सुथरा थी ना, आप लोग मानोगे नहीं, इतना ब्यूटीफुल। कैमरे में इतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाते कभी कभी, जब हम लोग आप लोग आँखों से देखते हो तब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोग हाइकिंग करेंगे अभी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और आप मेरी फेस की जो एक्सप्रेशन है उसको देख के ही आप लोग समझ गए हो शायद कि कितना खुश हूँ मैं आके। और मॉर्निंग अभी 8:30 हुआ है शायद, क्योंकि हम लोगों का 24 आवर्स की पास थी। तो हम लोग सैटरडे को 2:30 से लिया था शायद, और आज के दिन यानी संडे की 2:30 तक हम लोगों की ये सभी ट्रेन जर्नी, केबल कार जर्नी सभी फ्री होगा पर पर्सन 18 फ्रैंक में। और ये आप लोग यहाँ केबल कार के लिए आप लोग ऑफिस में जहाँ से केबल कार मतलब राइड शुरू होते हैं वहाँ जाके भी आप लोग टिकट काट सकते हो, ऑनलाइन भी टिकट आप लोग काट सकते हो, और आप लोगों को वो स्टेशन पे जाके भी कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन हैं और यहाँ डायरेक्शन बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है ताकि किसी को भी कोई मिस्टेक ना हो कि कहाँ तक जाना है। और देखिए व्यू बहुत ही ऊपर, आसमान बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर की और नीचे ऐसे हरियाली वादियों का। तो और हम लोग जब केबल कार में बैठे थे उससे तो व्यू और भी खूबसूरत थी देखिए। और शिवन्ना ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट 1.5 साल इंडिया में ऐसे ही घर पे ही लॉक थे लॉकडाउन की वजह से, बट यहाँ आके 3 मंथ्स में ही हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। और अभी ऊपर जाती हूँ, पास में ही एक झरना बोल सकते हो जो स्ट्रीम होता है वाटर की, वो भी दिखाऊंगी, ये सर्च है शायद कोई। तो अभी हम लोग केबल कार राइड के लिए हाइकिंग करके जा रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी को।
देखिए हम लोगों की जो केबल कार है वो आ गई है, और हम लोगों ने पहले से ही टिकट कट के रखा था, और बहुत लोगों ने यहाँ आके भी टिकट कट सकते हैं आप लोग। और ये 20 मिनट्स के डिफरेंस में आते रहते हैं, ऐसे दोनों तरफ से आते जाते रहते हैं। आप लोगों को 20 मिनट्स वेट करना पड़ता है एक बार चढ़ने से नीचे आने तक, और जितना बार आप लोग हो सके उतना बार आप लोग जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग टिकट काटने बाद पूरा दिन आप लोग अप डाउन कर सकते हो, कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं है। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, और ऊपर जाके बहुत खूबसूरत वादियाँ भी है, और यहाँ से आप लोगों को ज्यूरिख लेक भी बहुत अच्छे से दिखते हैं, और साथ में ही ज्यूरिख सिटी भी बहुत अच्छे दिखते हैं, और साथ में ही स्विट्जरलैंड की हाउस कैसे होते हैं थोड़ा पहाड़ी इलाका में, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक व्यू आ रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर केबल कार से, और इस जगह का नाम मतलब इस वादी का नाम है, ऊपर पहाड़ के ऊपर है ये, फेल्सेनेक बोलता है फेल्सेनेक, और इस केबल कार का राइड का नाम भी फेल्सेनेक केबल कार राइड बोला जाता है। और ऊपर से व्यू देखिए बहुत ही अच्छा है, और ऊपर भी बहुत सारी सुविधा है, जैसे चिल्ड्रन पार्क है, आप लोग पूरा दिन इधर बिता सकते हो, और नीचे यहाँ देखिए वॉशरूम वगैरह है, और साथ में ही रेस्टोरेंट वगैरह भी है, और ट्रेडिशनल जो फूड है स्विट्जरलैंड की वो भी मिलते हैं वहाँ, आप लोग जाके खा सकते हो, और साथ में ही आप लोग बारबेक्यू करने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब पहाड़ जैसा है बट नीचे जाके आप लोगों को पूरा वैली जैसा मिलेगा, एक ग्रीनरी चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बट विंडी थी और मॉर्निंग की टाइम है ऑलमोस्ट 9 AM, देखने में थोड़ा धूप है बट बहुत विंडी थी। अगर आप लोग अच्छे से मतलब विंटर के कपड़ा नहीं लेके आओगे तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएंगे, हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि नीचे तो थोड़ा सामान आ गई है पर पहाड़ के ऊपर थोड़ा अभी भी ठंडा थी, तो हम लोगों ने कैप वगैरह लेके नहीं आए थे, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, बट तब भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 आवर इधर बिताया, और उसके बाद ही हम लोग
नीचे गए और अब यहाँ बारबेक्यू करने के लिए भी बहुत अच्छा मतलब वो है, बहुत लोग आके यहाँ वीकेंड्स, क्योंकि ईस्टर की वीकेंड थी तो सभी लोगों ने बारबेक्यू की सारे सामान लेके आके वहाँ ही पूरा फैमिली वेकेशन भी मनाया। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम लोग पहाड़ से अभी नीचे आ रहे हैं और यहाँ चिल्ड्रेन टी पार्क है, एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट भी है सुना है उधर, फेमस फुंडू डो जो स्विट्ज़रलैंड की फेमस मतलब नेशनल डिश है फुंडू, वो भी मिलता है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और यहाँ पार्क है, पार्क में हम लोगों ने भी मतलब मैं मेरे हस्बैंड शिवेन्ना सभी ने पूरा जम के एंजॉय किया और पार्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से थी। और नीचे देखिए वादियाँ है बहुत ब्यूटीफुल, और अभी स्प्रिंग के सीजन है तो पूरा एकदम जो फ्लावर वगैरह है वो भी खिलना शुरू हो गई है, मतलब देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और ग्रास की कलर, नीचे जो ग्रास की कलर है ऊपर आसमान की कलर, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। बट विंडी है तब भी एक दिन आप लोग सहन कर सकते हो विंड को। तो अभी दिखाती हूँ हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया, मैं मेरे हस्बैंड शिवेन्ना, और कैसे बिताया इस टाइम को। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग वहाँ बिताया और फिर से हम लोग चले आए। और देखिए उधर टाइम पीरियड लिखा हुआ होता है कि किस टाइम पे आएंगे, और ये है दूसरी तरफ मतलब माउंटेन के ऊपर जो केबल कार की स्टेशन है ये है। और यहाँ कोई ऑपरेट करने वाला कुछ भी नहीं होता, सभी इलेक्ट्रॉनिक से होता है। और जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग तीनों ही जाएंगे, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और शिवन्ना, और हम लोग की केबल कार आ गई है ये देखिए। और जब तक ये आके स्टेशन में नहीं रुकते तब तक ये इलेक्ट्रिक जो दरवाज़ा है वो नहीं खुला होता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोई गिर सकता है नीचे जाके। तो अभी हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं और हम लोग तीनों ही थी। अभी थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम लोग आने के टाइम पे तो बहुत लोग आए थे बट सभी लोग ऊपर ही रह गए, बट हम लोग नीचे आ गए क्योंकि हम लोग को और भी कहीं जाना था, हम लोग का और भी कुछ प्लान था। तो हम लोग नीचे आ गए बट मज़ा बहुत आया, बट थोड़ा डर भी लगा क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो हम लोग फंस जाएंगे और कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉनिक से होता है ये। तो बट तब भी हम लोगों ने एंजॉय किया। और ऐसे अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के टाइम पे भी आप लोग व्यू थोड़ा देख लीजिए तो कैसा लगते हैं।
देखिए हम लोग अभी नीचे आ गए हैं और सभी हंसने लगे क्योंकि हम लोग डरे हुए भी थे थोड़ा, मतलब कुछ नहीं हुआ, हम लोग तीनों ही थे तो आके हम लोग को बहुत हंसी आई। तो यही थी हम लोग की ये जर्नी एटलीस व्हील की फेलसनिक केबल कार राइड। तो यही थी, तो आप लोग भी आ सकते हो अगर जूरी में आप लोगों की प्लान है ट्रैवल की, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है और ऊपर भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। बट आप लोगों को अच्छी तरह से, अगर गर्मी के दिन में भी आप लोग आओ तो अच्छे से विंटर के कपड़ा लेके ही है ना, ये एक सजेशन है, नहीं तो हम लोगों की तरह होगा। तो यही थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए भी एंजॉयबल होगा। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय।